गुरुमुखो, सतगुरु रविदास महाराज की साखी बहुत ही सुंदर साखी है जो आज आप सभी के साथ साझा की जा रही है। इस साखी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। तो आओ, आज की ये साखी बड़े ही प्रेम भाव से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक बार कांची के काजियों ने अलाहाबादी बादशाह के दरबार में सतगुरु रविदास महाराज के प्रति शिकायत दर्ज करवा दी कि बादशाह एक चमार जाति में पैदा हुआ इंसान जिसका नाम रविदास है, बड़े लोग राजे महाराजे उसके मुरीद हैं और भक्त हैं जो उसको पीर बुलाते हैं। प्यारे सत्संगियों भाइयों बहनों, यहाँ पर मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि जो चमार शब्द है, अगर इसको गहराई से देखा जाए कि चमार कौन है, किसको कहा जाता है चमार, किसी शायर ने पंजाबी में खूब लिखा है कि जे रब बनौंदा बंदे लकड़ दे उसनू तरखाण कहंदे, जे रब बनौंदा बंदे लोहे दे तां उसनू लोहार कहंदे, पर रब ने बनाए बंदे चम दे इसलिए रब नू भी चमार कहंदे, इसलिए रब नू भी चमार कहंदे। प्यारे सत्संगियो भाइयो बहनों, चमार का अर्थ है चिचा चम यानी चमड़ी, ममा मांस, आ अस्टियां यानी हड्डियां, रारा रकत यानी लहू। इन चार शब्दों को मिलाकर जो बन रहा है वो है चमार। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्यारे सत्संगियों, हर एक व्यक्ति चमार है। वह अलग बात है कि हम सभी ने जातियों के अलग अलग लेवल साथ में लगा रखे हैं, मगर प्यारे सत्संगियों भाइयों, असल बात तो ये है कि हर एक इंसान चम से बना है, इसलिए चमार है। अलाहाबाद के बादशाह ने काजियों के कहने पर सतगुरु रविदास महाराज को अपने दरबार में बुलाया। और सत्संगियों, जितने भी सतगुरु रविदास महाराज जी के बिरादरी के लोग थे, वह भी सतगुरु रविदास महाराज जी के साथ अलाहाबाद बादशाह के दरबार में पहुंच गए। मगर जब बादशाह ने सतगुरु रविदास महाराज जी का चेहरा देखा, क्योंकि एक बात तो आम है, जो रूह परमात्मा का नाम जपती है उसमें लीन रहती है, उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में जो नूर होता है वो आम इंसान नहीं झेल सकता। कठोर से कठोर हृदय, पापी से पापी इंसान भी सत्संगियों उस नूर से प्रभावित होता है। बादशाह को भी सतगुरु रविदास महाराज जी का चेहरा देखकर शांति मिली और बोलता है, हे महापुरुषों, आप हमारे साथ यहाँ पर बैठो। और सिपाहियों से कहा, इसके साथ जितने भी चमार आए हैं इन सभी को धक्के मारकर दरबार से बाहर निकाल दो। प्यारे सत्संगियों, बादशाह कहने लगा कि हे महापुरुषों, आपकी बहुत ही उपमा सुनी है, बहुत ही बड़े राजे महाराजे आपके भक्त और मुरीद हैं, हमें भी कुछ ऐसी करामात करके दिखाओ। सतगुरु रविदास महाराज जी कहने लगे, किस करामात की बात कर रहे हो, करामात तो हम दिखा चुके हैं। बादशाह कहने लगा, करामात दिखा चुके हो, क्या करामात दिखाई है आपने। सतगुरु रविदास महाराज जी कहने लगे,
कि बादशाह, मैं एक नीच जात में पैदा हुआ, जिस जात के परछामे से भी आप भागते हो। आज आपके दरबार में जितने भी मेरी बिरादरी के लोग थे, आपने उनको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मुझे अपने पास बिठा लिया। बादशाह, ये करामात नहीं तो और क्या है? बादशाह कहने लगा, हे महापुरुषो, मुझे एक बात समझाओ कि एक नीच जात में पैदा होकर उस रब उस अल्लाह को आपने कैसे पा लिया? सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी के जरिए समझा रहे हैं, बादशाह, सुरसरी सलल किरत बारुणी रे, समत जन करत नहीं पनान, सुरा अपवित्रा ना तावर जल रे, सुरसरी मिलतन है होए अनंत। इसका मतलब है कि जिस तरह हम गंगा के बीच में से पानी लेकर उसकी शराब निकाल लेते, तो जो भले पुरुष होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो कभी भी शराब को ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये दिमाग को और बुद्धि को भ्रष्ट करती है। मगर दूसरी तरफ हम अगर एक कुएं में से पानी ले लें या एक गंदे नाले में से पानी ले लें और उसकी शराब निकाल लें, उस शराब को गंगा में मिला दें, तो वो शराब नहीं रहती, वो गंगा का रूप हो जाती है। सारा संसार पंडित उस गंगा में स्नान करते हैं। सत्संगियों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक कर आप सभी से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग तो सभी कहते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज हमारे गुरु सतगुरु हैं, मगर एक बार अपने अंदर झांक कर देखो कि हम सतगुरुओं की बातों को मान रहे हैं। हमेशा साफ और स्पष्ट सतगुरु महाराज की वाणी कह रही है कि जो भले पुरुष होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो कभी भी शराब ग्रहण नहीं करते। अब अपने आप से एक बार पूछो कि हमने सतगुरुओं की बात मानी? क्या हमने सतगुरुओं की वाणी को पढ़कर उनकी बात को मानकर ये शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दे लगाने छोड़ दिए? नहीं। सत्संगियों, हमारा हाल वो है जिस तरह वाणी कह रही है, सलाम जवाब दोवें करें। हम सतगुरुओं को सलाम भी करते हैं और जवाब भी देते हैं। अगर हमने सतगुरुओं के आगे अपना शीश झुका दिया, ये शीश झुकाने का क्या मतलब है? अगर हम शीश झुकाते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हे बादशाह, हे सतगुरु, आज से ये मेरा सिर तेरे चरणों में है, आज से कृपा कर अपनी सुमत इस सिर में डाल। सत्संगियों, हम सिर को झुकाते तो ज़रूर हैं, लेकिन सतगुरुओं की मानते नहीं। सतगुरु महाराज की वाणी यानी गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी में एक पंक्ति आती है, सतगुरु फरमान कर रहे हैं कि पान सुपारी काठियां मुख बेड़ियां लाइयां, हर हर कदे न छेटियो जम पकड़ चलाइयां। इसका अर्थ है, ये जो तंबाकू, बीड़ियां, नशे करते हैं, इन सभी को यमदूतों की मार सहनी पड़ेगी। ये परमात्मा का नाम नहीं जपते, ये परमात्मा के लिए टाइम नहीं निकालते, नशे में ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। अगर ये बात आप दिल से मानते हो, सतगुरु रविदास महाराज जी हमारे सतगुरु हैं,
तो आज ये प्रण कर लो, कसम खा लो कि हम भूल कर भी आज से किसी भी नशे को हाथ नहीं लगाएंगे। सतगुरु समझा रहे हैं कि बादशाह, मैं भी एक नीच समझे जाने वाली जाति में पैदा हुआ हूँ, मगर मेरे हृदय में उस राम का, उस परमात्मा का किस तरह वास हुआ कि मैं भी गंगा की तरह पवित्र हो गया। तो सतगुरु रविदास महाराज एक और उदाहरण देकर समझा रहे हैं। बादशाह, जिस तरह तरतार अपवित्र कर मानिए रे, जैसे करगार करत विचारन पगत पगोत लिखिए, तह उपरे पूजिए कर नमस्कार। सत्संगियों, एक ताड़ी नाम का वृक्ष जो आज भी महाराष्ट्र में कहीं कहीं पाया जाता है, कहते हैं उस वृक्ष के जो पत्ते हैं उसमें से जो रस निकलता है उसका शराब की तरह नशा होता है, और धार्मिक जगत में उस वृक्ष को अपवित्र माना जाता है। पहले समय में कागज की खोज नहीं हुई थी, तब जो धार्मिक ग्रंथ होते थे तो इन वृक्षों के पत्तों पर लिखे जाते थे। सतगुरु रविदास महाराज जी समझाते हैं कि बादशाह, जिस तरह उस वृक्ष के पत्तों को अपवित्र माना जाता है, मगर जब उसी वृक्ष के पत्तों पर परमात्मा का नाम यानी राम का नाम लिख दिया जाता है, तो ये संसार उसी वृक्ष के पत्तों को नमस्कार करता है। मगर यहाँ पर बात सोचने वाली है कि वह पत्तों को नमस्कार नहीं कर रहा है, वह नमस्कार कर रहा है परमात्मा के नाम को जो उन पत्तों के ऊपर लिखा हुआ है। तो बादशाह, मेरे भी हृदय में उस परमात्मा का नाम इस तरह लिखा हुआ है कि सभी राजे महाराजे मुझे नमस्कार करते हैं। मेरी जात कुट वंदला टोट वंता नित है बनारसी आस पासा, अब बितर परिधान ते कर है दंडोत तेरे नाम सरणाए रविदास दासा। बात तो ये है सत्संगियों भाइयों बहनों के, बादशाह के मन पर सतगुरु की वाणी का ऐसा असर हुआ कि बादशाह सतगुरु का मुरीद हो गया। वह कहने लगा कि हे महापुरुषों, हम आपसे बहुत प्रभावित हुए हैं। मेरे मन की इच्छा है कि ये जो सोने का सिंहासन है ये हम आपको भेंट करना चाह रहे हैं। तो सतगुरु रविदास महाराज तो माया के सबसे बड़े त्यागी हुए हैं, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, रविदास दवंता टोर नित तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया। इसका अर्थ है कि सतगुरु रविदास महाराज जी जैसा माया का त्यागी कोई दूसरा नहीं हो सकता। उन्होंने भला सोने के सिंहासन क्या करने हैं। कहते हैं कि हे बादशाह, ये सोने के सिंहासन तो आप जैसे बादशाह को शोभा देते हैं, भला हमें ये सिंहासन क्या करने हैं। मगर बादशाह ने तो एक बार कह ही दिया था कि ये सोने का सिंहासन आपका है। बादशाह ने अपने अहलकारों को हुक्म दिया कि यह सोने का सिंहासन उठाओ और इन महापुरुषों की कुटिया में छोड़कर आओ। चल पड़े सतगुरु रविदास महाराज, और पीछे पीछे बादशाह के अहलकार सिंहासन को उठाते हुए ले आ रहे हैं। चलते चलते जब गंगा के किनारे पहुंचे तो उन सभी को हुक्म दिया कि ये सोने का सिंहासन जो है इसको गंगा में फेंक दो। तो उन्होंने सोने का सिंहासन
गंगा में फेंक दिया। तो उन्होंने जाकर बादशाह को बताया कि बादशाह, जिन महापुरुषों को आपने सोने का सिंहासन दिया था, उन्होंने आपके सोने के सिंहासन की कदर नहीं की, उन्होंने वो सिंहासन आपका गंगा में फेंक दिया। और बादशाह के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मन के बीच में विचार करने लगा कि हे मन, मैं किस महापुरुषों को, किस महाज्ञानियों को अपना सोने का सिंहासन दान कर दिया, जिन्होंने मेरे सिंहासन की कदर ही नहीं की। रात पड़ी और बादशाह मन में विचार करने लगा कि मैंने किन महापुरुषों को अपना सोने का सिंहासन दान कर दिया, उन्होंने मेरे दान की कदर ही नहीं की। अहलकारियों को साथ लिया और सतगुरु के पास चल पड़ा और बादशाह कहने लगा कि हे महापुरुषों, जो हमने आपको सोने का सिंहासन दान दिया था, वह हमें वापस कर दो। उसके बदले में हमने आपको कोई और सिंहासन देना है। और सतगुरु कहने लगे कि हे बादशाह, वह सोने का सिंहासन तो हमने किसी के पास इमानत के तौर पर रख दिया है, अगर तुझे वह सिंहासन चाहिए बादशाह, तो चल मेरे साथ, तुझे वह सिंहासन ले देते हैं। तो वह चल पड़े और चलते चलते गंगा के किनारे पहुंच गए और सतगुरु रविदास महाराज जी ने गंगा जी को कहा कि हे गंगा जी, हमने जो आपके पास सिंहासन इमानत के तौर पर रखा था, वह हमें वापिस कर दो। सत्संगियों, सतगुरु महाराज की आवाज लगने की देर थी कि बादशाह क्या देखता है, इस तरह के सिंहासन, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि इस तरह के सात सिंहासन गंगा से बाहर आने लगे। जब बादशाह ने देखा तो उसके हाथ जुड़ गए, सतगुरु के चरणों में ढह गया और कहने लगा कि हे मेरे सतगुरु, मैंने तो एक सिंहासन दान किया था, ये सात सात सिंहासन कैसे बन गए? तो सतगुरु रविदास महाराज समझाते हैं कि बादशाह, एक सिंहासन देकर सारी रात सोचता रहा कि मैंने एक सिंहासन दान किया है, इसलिए ये सात गुना बढ़ा है, नहीं तो ये 70 गुना बढ़ सकता था। माफ करना सत्संगियों, हालत हमारी भी कुछ इस तरह की है। अगर हम कहीं पर कोई वस्तु दान करते हैं तो हम धन देकर धन के साथ ही जुड़े रहते हैं। आम तौर पर गांव में क्या देखते हैं कि गुरु घरों में लोगों ने पंखे दान किए हुए हैं, जो भी चीज दान करते हैं उन पर अपना नाम लिखवा देते हैं, किसी ने ये वस्तु दान की है, किसी ने ये वस्तु दान की है। इस बात का ख्याल जरूर करना प्यारे सत्संगियों, साथ में एक बात याद भी रखना, बेशक आपकी दान की हुई चीज अगर उस पर आपने अपना नाम लिखवा दिया है और वह गुरु घर में पड़ी हुई है, वह गुरु की नहीं हो सकती, वह आपकी ही रहनी है। क्यों? क्योंकि उस पर आपने अपना नाम लिखवाया हुआ है। मुझे एक बात याद आ गई, एक बार एक महापुरुष गुरु घर में बैठे थे, अमृत वेला है, कहते हैं अंदर कीर्तन चल रहा है गुरबाणी का, बाहर बैठकर वह श्रवण कर रहे हैं। जितने में क्या हुआ कि एक 80-85 साल के बुजुर्ग आए तो गुरु घर के बाहर जो मार्बल लगा हुआ था
उस पर कुछ ढूंढने लग पड़े। तो महापुरुष कहने लगे कि मेरा बार बार ध्यान टूटे और उनकी तरफ जाए। सियाना शरीर है, पता नहीं ये क्या ढूंढ रहे होंगे। चलो मैं ढूंढने में इनकी मदद कर देता हूँ। मैं बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्गों से पूछा, मुझे लगता है कि आपका कुछ खो गया है जो आप ढूंढ रहे हैं, मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं कुछ ढूंढने में। बुजुर्गों ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनकर मैं हैरान हो गया। उन्होंने जो जवाब दिया वह कहने लगे कि आज से 5 साल पहले इस गुरु घर में आया था और यहाँ पर मार्बल लगाने का काम शुरू किया गया था, तो मैं पत्थर लगाने के लिए 5,000 रुपये धन देकर गया था। तो मैं वही देख रहा हूँ कि इन पत्थरों पर मेरा नाम कहाँ पर लिखा हुआ है। वह महापुरुष कहने लगे कि मैं हैरान हो गया कि तू गुरु घर में आकर भी पत्थरों के ऊपर अपना नाम देख रहा है, तो तू मुझे ये बता कि तू परमात्मा का नाम कहाँ पर जाकर ढूंढेगा, रब का नाम कहाँ से लेगा। सत्संगियों, अगर आप चाहते हो आपका 1 रुपया भी दान किया हुआ लाखों रुपए मिले, एक नियम अपनाओ, जो आपने चीज दान दे दी, जिस चीज का त्याग कर दिया, वो त्याग की भावना को भी अपने अंदर से त्याग दो कि मैंने कुछ त्याग दिया। क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी कह रही है, तियो किया तुझे क्या अर्पण, कि परमात्मा आपका ही तो दिया है सब कुछ, हम आपको क्या दे सकते हैं। जब ऐसी भावना होगी ना आपके अंदर, फिर आपका जो दान दिया हुआ है वह परमात्मा के घर में पावन होगा। और बादशाह को सतगुरु कहने लगे कि ये 7ों के 7ों सिंहासन तेरे हैं। और बादशाह कहने लगा कि हे महापुरुषों, कृपा करो, रहमत करो, ये 7ों सिंहासन गंगा में दोबारा फेंक दो ताकि ये और बढ़ जाएं। और सतगुरु कहने लगे, बादशाह नहीं, अब तू इनका बीज नाश कर चुका है, अब ये और नहीं बढ़ सकते। सत्संगियों, ऐसे मेरे सतगुरु रविदास महाराज राजों को राज बख्शने वाले, बादशाह को बादशाही बख्शने वाले, सिंहासन बख्शने वाले, मगर अफसोस की बात कि कुछ लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि सतगुरु रविदास महाराज को गुरु नहीं कहना है, भक्त कहना है। सत्संगियों, इन लोगों को ये पूछा जाए कि ये गुरु ग्रंथ साहिब से बड़ी अपनी सोच को मानते हैं, क्या ये गुरु अर्जुन देव जी, गुरु नानक देव जी से ज़्यादा ज्ञानी अपने आप को मानते हैं। क्योंकि सतगुरु की वाणी साफ साफ कह रही है, सतपुरख जिन जानिया सतगुरु तिस का नाम। हजारों ऐसे उदाहरणें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये महापुरुष हमारे लिए गुरु हैं। किस तरह? क्योंकि इनकी वाणी हमें एक सच्चे मार्ग पर चलना सिखाती है, हमें शिक्षा देती है और हमें परमात्मा से मिलाती है, इसलिए ये हमारे लिए सतगुरु हैं। तो दूसरा सत्संगियों, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे जो गुरु शब्द लगाता है,
तो वो किसी एक खास पुरुष के लिए नहीं लगाता, वह सभी गुरुओं के लिए लगाता है, क्योंकि उनकी वाणी से हमें प्रेरणा मिलती है। दरअसल बात तो ये है, क्योंकि ये संसार की फितरत है, सद्गुरु रविदास महाराज का ज्ञान महात्मा बुद्ध से कम नहीं है। सद्गुरु रविदास महाराज की मान मर्यादा श्री राम जी से कम नहीं है। सद्गुरु की वाणी कृष्ण जी के गीतों से कम नहीं है। मगर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि वो राजघराने में पैदा हुए, इसलिए राजपुत्र हैं और अवतार माने गए, और रविदास महाराज नीच जाति में पैदा हुए और इसलिए लोगों ने भक्त माना, वो भी टेढ़े मेढ़े ढंग से। आगे राजाओं महाराजाओं के घर में पैदा होता है तो उसको अवतार माना जाता है। अगर कोई शूद्रों के घर कोई ब्रह्म ज्ञानी पैदा होता है तो उसको लोग भक्त कहने को भी तैयार नहीं। फर्क सिर्फ हमारी सोच का है। प्यारे सत्संगियों, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आओ इन सभी जंजालों से ऊपर उठकर सतगुरु की वाणी पर चलना सीखते हैं। आज की साखी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सतगुरु रविदास महाराज की ये साखी बहुत पसंद आई हो। तो सभी प्यार से बोले, जो बोले सो निरपय, सद्गुरु रविदास महाराज की जय।